हाय राधे राधे सब देगा कहीं नहीं देता है वो नहीं है खाने चाय पी रहे हैं बिस्कुट खा रहे हैं राधे राधे हम चाय बना रहे हैं गिलास से मेरा नहीं है हाय गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं हो गया हूँ तैयार और जुगनू गई है नहाने। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हमें जाना है बांके बिहारी मंदिर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मम्मी रेडी यू आर रेडी आई एम रेडी मम्मी रेडी हां रेडी हो गए हैं सब लोग रेडी हो गए। सो गाइस हम सब लोग रेडी हो गए हैं। यस यस 7 बजे की जगह 9 बजे निकल रहे हैं। अगर आपको टुकटुकी में बैठना है तो देखिए ऐसे बैठना पड़ेगा। चश्मा दीजिए। सौरभ जोशी का भी छीन लिया था। चलो नीचे 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 अंदर रखना। जल्दी लो जल्दी लो गिरा लो जल्दी तोड़ दे। देखना सब अपना अपना सामान छुपा के मम्मी चल चल मोबाइल सभी हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। ओके नाउ गाइस बांके बिहारी जी के मंदिर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब हद से ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है भीड़ को संभालने के लिए। सब बस ठूसे जा रहे हैं, मतलब ऐसा होगा ना आप ठेला ठेला के घुसोगे और ठेला ठेला के ही निकल जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा ही धक्का मुक्की करके जाना होता है, मंदिर के ऊपर तक चढ़ना होता है यदि आपको पूजा करवानी है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम लगा मुझे। ऑल्सो मंदिर से निकलने के बाद ना रास्ते में ही आपको वृंदावन में बहुत सारे ऐसे स्टोर मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कान्हा जी के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ते प्राइस में, मतलब इतने कम प्राइस में मुझे नहीं लगता और कहीं भी मिलता होगा जितना कि वृंदावन में मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में। लाइक आपको 5-5 रुपए में ना कैप मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, कलरफुल थे, डिज़ाइन वाले थे और सब कुछ बहुत ही सस्ता है। 5 रुपए में आपको 4 मोती के माला मिल जाएंगे, मतलब हाथ और पैरों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको दिखाऊँगी अपने आने वाले वीडियोज़ में मैंने वहाँ से क्या क्या लिया हुआ है। एंड वहाँ से निकलने के बाद मतलब हम लोग कुछ लेते हुए ही जा रहे थे एंड फिर हम लोगों ने वहीं पे दिखा हमें एक होटल तो हम लोगों ने आलू पराठा खा लिया क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। हम लोग जा रहे हैं निधिवन और निधिवन से फिर हम लोग जाएंगे ताजमहल आगरा देखने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। गाइस अभी हम लोग आए हैं यमुना नदी के पास में, इधर यमुना नदी है और सामने निधिवन है, निधिवन जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है यार।
इधिवन जाने वाले हैं, बट यहाँ पे यमुना नदी है तो यमुना नदी का पानी थोड़ा छिड़क लेंगे। फिर यहाँ पे नाव में बैठते बट ना बहुत ज़्यादा ठंड है, तो पानी में और भी ज़्यादा ठंड लगेगा, इसलिए अभी हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, अदरवाइज लोग सिकुड़ जाएंगे, कुकड़ जाएंगे। अरे यार चलो, निधिवन जाना है, फिर आगरा जाना है, तो जा नहीं सकते, पर फेरी में अगर बैठना है तो बैठ सकते हैं, शाम में नहीं होगा। कितना टाइम है? 12 बजे। एक सवारी का 100 रुपये ले रहे हैं। 50 बोले अभी, अभी 50 छोटे चक्कर है, 50 रुपये ऐसे करके लेके आते हैं, 100 वाला 8 रुपये लेके आते हैं, कम से कम नहीं। नहीं 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 20 रुपये का, 20 रुपये का हाथ से ना, हाँ दीदी दीदी 6 डिब्बी 5 के इधर का आइटम, दीदी बहुत ही 10 वाले, दीदी 6 डिब्बी 5 पाँच वाले इधर का आइटम कर दूँगा, कोई ज़रूरत नहीं। चलो आप कैसे चल रहे हैं? हम पहले चल रहे हम लोग जिस टाइम पे वृंदावन गए थे ना, मुझे नहीं पता उस टाइम छुट्टी का टाइम चल रहा था या फिर क्या था, हर जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, निधिवन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और निधिवन पूरा कवर है, जहाँ पे बीच में हमें चलने के लिए दिया जाता है, आप आसपास में पेड़ वगैरह देख सकते हो, जो जिसके लिए फेमस है, जिसके लिए जाना जाता है कि सारे जो पेड़ हैं ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो डिफरेंट टाइप के पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत ही डिफरेंट लगता है, उनकी जो टहनियाँ हैं ना सब कुछ बहुत ही मिली जुली हैं एक दूसरे से। एंड यहाँ पे भी कुछ कुछ मंदिर हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, पर थोड़ा टाइम ले करके जाना, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, पर आप कितना भी टाइम लेके जाओ आपको इस भीड़ से ही गुजरना पड़ेगा। तो निधिवन से हमें जाना था आगरा, और हमारा ड्राइवर पहले ही आ चुका था क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी बुक करके रखा था, और बार बार हमें कॉल कर रहा था, तो हमें भी जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। एंड यहाँ पे भी बंदर ने ना नितेश का पीछा नहीं छोड़ा, वो उनका टोपी ले जाता और उनके मतलब पीछे पड़ा हुआ था बंदर। राधे राधे, हेलो नितेश, राधे श्री राधे, ये श्री कृष्ण भगवान आते थे, हां यार मेरे साथ आज बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ, एक बार चश्मा मेरा तोड़ दिया और दूसरी बार मेरी टोपी ले गए। हाँ क्या बोल रही है? अरे देखेंगे ना। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मल्टी लेवल पार्किंग, और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे ताजमहल। हमको तो डर लग रहा है, आप ऐसे भी बना रहे तो देखिए वहाँ भी बंदर है। अरे गाड़ी में नहीं आएगा इतना भी मन बोलता चल जाएगा, अभी देखना घींच के ले गए थे। अरे हम ही वाला वीडियो में देखे थे, मम्मी लोग रुकी ही नहीं थी, आई घूमी चली गई। ये वृंदावन है, पूरा पार्क ही है। आसपास में मल्टी
लेवल पार्किंग में यहाँ हमारी कार है, यहाँ से हमें जाना है आगरा। यहाँ गाड़ी आ गई है, यहाँ मम्मी लोग बैठ गई है, यहाँ पे लोग चना खा रहे हैं। गाइस हम लोग इस गाड़ी में जा रहे हैं आगरा के ताजमहल को देखने। चढ़ जाता है ना ऊपर, नहीं ले लेके जाएगा, चश्मा तोड़ दिया, तोड़ दिया। अरे भाई बहू के साथ आई, ये मेरी बहू, मैं फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम तुम लोग आए हो? हम लोग घूमे कहाँ हैं? वापस भी है टिकट ले जाएगा? नहीं नहीं गोलू गोलू हाँ दोनों मम्मी खड़ा हो जाओ, फोटो ले लेंगे। देखिए हमारे फोटोग्राफर है, ये हमारा कस्टमर है। ये है ताजमहल का एंट्री गेट। ऐसे चल रही थी, टिकट इसके पास है, तुम लोग लगा रही है, जाओ बिना टिकट। चल ना रे मम्मी आगे चल, उधर ताजमहल देखेंगे ना, इसको कहाँ देख रही है। ताजमहल के अंदर अब हमारे एक्चुअली यहाँ पे ना दो टाइप के टिकट, एक 50 और एक 250 वाली। तो अगर आपको अंदर जाना है तो आपको 250 वाली लेनी। लग गया एक घंटा फोटोग्राफी में, जैसा कि हमारे ड्राइवर ने बोला था, सब लोग फोटो 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 देख सकते हो। एक घंटा हो गया अभी तक हम लोग ताजमहल के अंदर नहीं पहुंचे, यहीं तक है, वहीं से फोटो 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 लोग खिंचवा रहे थे, रील्स बनवा रहे थे, ये सारे एक से बढ़कर एक है, सब इधर पीछे भी दोनों।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए जो सामने से दिख रहा है। ये है ताजमहल। गोल गोल घूमो। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। ठीक कैसे तुम लोग कैसे फेंकी? सुकून यहाँ मिलेगा। इस ताजमहल के बाहर उस साइड में ये बहुत सुंदर सी नदी है जो बहुत ही यमुना नदी है। अभी हो गया हमारे ताजमहल से 5 बज गया ना, 5:15 हो रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई है। ये बहुत गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा कर रहे हो? नहीं तो नहीं, इस्कॉन मंदिर नहीं जाना तो 1 घंटा और रह सकते हैं। इस्कॉन मंदिर भी जाना है हम लोग को, वहाँ पे सब पूरा राधे राधे करना है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, जाना है इस्कॉन मंदिर। ये अमन नहीं देखा है ताजमहल का फोटो? अमन ताजमहल का भी देखा है तुम? हाँ देखा है फोटो में। बहू बेटे के साथ आकर ताजमहल देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। 35 साल बाद मैं यहाँ आई हूँ शादी के बाद। मम्मी मम्मी फोटो लेने के लिए तैयार। इसको बस जाना है, इसको एक तो हीरोइन एक तो हीरोइन भाग रही है। ताजमहल देखो मजा आ गया घूमने। कहाँ अच्छा लगा तुमको ताजमहल? ताजमहल बहुत अच्छा लगा घूमने। संगमरमर बहुत अच्छा लगा। फोटो लेना अच्छा लगा। फोटो लेना घूमना फिरना अच्छा लगा। अच्छा लगा। हम लोगों ने आज लंच नहीं किया है, जस्ट आलू पराठा खाया है और बस कुछ 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 चना वना ये वो खा करके हम लोग बस घूम रहे हैं। अभी देखते हैं कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से आज हम लोग जाएंगे चौपाटी। कल चौपाटी में खा के बड़ा मज़ा आया था, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना था। कल हम खा के गए थे भरपेट, फिर भी वहाँ पे खाने में बहुत मज़ा आया था। आज भूखे पेट जाएंगे, खूब जम के खाएंगे, मज़ा आएगा। तुमरा हाथ देख रहा है, तुमरा को उसको चली चली उसको कहा पता है कि तुमरा हाथ में कहाँ है? गाइस यहाँ पे बंदरों ने तहलका मचाया बहुत। ले बंदर मन को देख ले, नहीं ना मेरे ताज महल निकालो ना। चल गया चल गया चल गया। बोलो। नो फ्लैश प्लीज। बोलो बोलो। काला चश्मा पहन लो। हे गाइस, हम लोग वहाँ ताजमहल में बहुत लेट हो गया, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं वापस वृंदावन। और वृंदावन जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रास्ते में, तो हम लोग पता नहीं हो सकता 7:30 बज जाए पहुँचने में, आधे घंटे ही जा पाएंगे हम लोग इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल हो जाएगा तो आज बस हो गया। गाइज हम लोग जाम में फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से, देख सकते हो आप। ये देखो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। देखो ये सर्विस रोड में आ गए हैं, बट पता नहीं अब हम लोग पहुंच पाएंगे नहीं टाइम पे।
जाम ही जाम है, इधर भी सर्विस रोड में भी जाम है, इधर भी लोग जाम लगा दिया है। वही तो, एक घंटा इस्कॉन टेम्पल। आराम से चलो, ये बंद हो गया है तो यहाँ गाइस हम ना एक डेढ़ घंटे तक ट्रैफिक में फंस गए थे, पता नहीं हाईवे क्यों जाम था, तो उसकी वजह से हम लोग लेट हो गए और मंदिर जो यहाँ पे है इस्कॉन टेम्पल वो बंद हो गया था, 9 बजे बंद हो जाता है और हम लोग 9 बजे के बाद पहुँचे थे। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो फिर चले जाएंगे। फिर हम लोग गए चौपाटी खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। और आप अगर वृंदावन जा रहे हो ना तो चौपाटी में ज़रूर खाना, और कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप खा लेना। एक यहाँ पे दुश्मनी डोसा मिलता है, एक स्प्रिंग डोसा मिलता है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, वो आप ज़रूर खाना। एंड यहाँ पे जो सोया तंदूरी टिक्का मिलता है वो भी ज़रूर ट्राई करना, मोमोज़ भी अच्छे थे। एंड यहाँ पे जो प्लेन वाला पिज़्ज़ा मिलता है ना वो भी ट्राई करना, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और बस यही सारी चीज़ें ना हमें ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी, ये तीन चीज़ें आप ज़रूर खाना। एंड हमें यहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगा, जो भी खाया हमने बहुत ही बढ़िया लगा। तो आप भी यहाँ पे आकर के खाना इंजॉय कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है। स्ट्रीट स्टाइल फूड ना बहुत टाइम बाद मैंने खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सोया चाप एक नंबर, बिल्कुल चिकन। बहुत कुछ खा लिया हमने। सो अभी हम लोग खा करके निकल रहे हैं चौपाटी से, एकदम भर के हम लोगों ने खा लिया है। यहाँ से कुछ खाना है क्या? चलो चलो खाना है क्या? चलो अंदर में बात करके खाना है क्या? नहीं खाना है नहीं। किसी को मीठा नहीं खाना है, सबका पेट भर गया है, तो मेरे को भी मीठा खाने नहीं मिलेगा। फिर लोग जा रहे हैं वापस, हम लोग आ गए हैं वापस। यहाँ देखिए, और हम लोगों की कल सुबह सुबह ट्रेन है जो कि भरतपुर से है, मथुरा से नहीं है, क्योंकि मथुरा से ट्रेन नहीं है मिली जयपुर के लिए, क्योंकि अभी मथुरा जंक्शन में काम चल रहा है। तो हम लोग को सुबह 4 बजे उठना है, तो अभी हम लोग फटाफट से पैकिंग करेंगे और सो जाएंगे।